बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच जी। अब जी मोहतरमा नादिया खर साहिबा, या का ना बुदू वही या का नस्ताई। सबसे पहले जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जो से कुछ कहना चाहूंगी और आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरी बात को मुकम्मल होने दिया जाए। सबसे पहले मैं अपने लीडर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने हम जैसे नौजवानों पर एतमाद किया और इस कानून साज आवाम का हिस्सा बनाया। साथ ही मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू की तमाम बुजुर्ग खवातीन नौजवानों का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने अपने आने वाले मुस्तकबिल और अपने इलाके की तरक्की के लिए मेरा इंतखाब किया और फॉर्म 45 के जरिए मुझे इस आवाम का हिस्सा बनाया। जनाबे स्पीकर, अगर मैं बजट की बात करूं तो मेरा 12 करोड़ का सूबा पंजाब, जिसकी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, हमारी मौजूदा हुकूमत ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए रखे हैं। जनाबे स्पीकर, 20 करोड़ रुपए, अगर 7 करोड़ नौजवानों में इसको तकसीम करें तो 2.75 रुपए बनते हैं। जनाबे स्पीकर, इतने अहम काम के लिए, हमारे नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 2.75 रुपए। जनाबे स्पीकर, ये नाइंसाफी मेरे नौजवानों के साथ सिर्फ इसलिए इस बजट में की गई है क्योंकि मेरा नौजवान आज मेरे लीडर इमरान खान के साथ डट के खड़ा है। जनाबे स्पीकर, मैंने सुना है कि मौजूदा हुकूमत की एक गाड़ी के टायरों की कीमत 3.25 करोड़ है, एक गाड़ी के टायरों की कीमत 3.25 करोड़। और मेरे नौजवान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो हमारा मुस्तकबिल है, उसके लिए 2.75 रुपए, क्या बजट है जनाबे स्पीकर। जनाबे स्पीकर, मेरा इलाका डिस्ट्रिक्ट और मेरे लीडर इमरान खान के साथ वफादारी मांगी है। जनाबे स्पीकर, अगर मैं तालीम की बात करूं तो आप हुकूमत ने तालीम के 12 सूबे आबादी पर जो मुश्तमिल है, हमारा सूबा पंजाब, उसकी तालीम का तरक्याती बजट 57 अरब रुपीज रखे हैं, जो कि कुल बजट का 1.25% बनता है। जनाबे स्पीकर, इतना बड़ा मजाक हमारे साथ, ये तो सिर्फ लाहौर के लिए ही मुकम्मल नहीं है तो मैं अपने जनूबी पंजाब की क्या बात करूं। जनाबे स्पीकर, प्राइमरी तालीम हमारी बुनियाद है, उसके लिए इस हकूमत ने सिर्फ 2 अरब 98 करोड़ रुपए रखे हैं। जनाबे स्पीकर, इतनी कम कम कीमत। जनाबे स्पीकर, आप आए, आप आकर देखें मेरे डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू की प्राइमरी तालीम कैसे है। मेरी वहां पर 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो चार दीवारी नहीं है, चार दीवारी के साथ एक 100-100 बच्चा है, उस्ताद है तो उसकी तनख्वाह नहीं है, दूसरी जमात नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बॉयज डिग्री कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। जनाबे स्पीकर, इनकी इन गलत पॉलिसीज की वजह से हमारे पिछले 1.5 से 2 साल मेरा 20 लाख बच्चा तालीम से महरूम हो चुका है। जनाबे स्पीकर, अगर मैं हेल्थ की बात करूं और मैं अगर बजट उठाकर देखूं तो मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आया जो मेरे लीडर इमरान खान ने गरीब अवाम को दिया। 10 लाख ना सही, ये 2 लाख का प्रोजेक्ट दे देते। जनाबे स्पीकर, ये एहसास प्रोग्राम का कोई प्रोजेक्ट दे देते। जनाबे स्पीकर, इन्होंने हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्डर के इन द लिए हाउस जी। एक 115 अरब रुपए जो रखे हैं। जनाबे स्पीकर, आप आए देखे, सरकारी स्कूलों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। ये जो नारा लगा रहे हैं साफ सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब क्या है जनाबे स्पीकर? मेरे इलाके में घुटनों तक सेवरेज का पानी है। म्यूनिसिपल कमेटी के सीईओ को, एक बंदे को, पांच पांच लोगों का चार्ट दिया गया है। नीचे अमला नहीं है, अमला है तो 3 महीनों की तनख्वाही रोकी गई है। बात करें तो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बात करें, तो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू से बात करें, इंजीनियर्स, टेक्निकल इंजीनियर्स नहीं है, मशीन नहीं है।
जनाबे स्पीकर, मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट कोटदू का पूरा फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया जाए, सारी अथॉरिटीज दी जाए। मेरे डिस्ट्रिक्ट में सर्कल गुजरात, जिसकी 7 यूसीज है, 2.5 लाख की आबादी है, उनको 45 किलोमीटर के फासले पर तहसील जी मोहतरमा, वाइंड अप करें प्लीज, सिर्फ वाइंड दो अप में करें चाहिए जी। स्पीकर साहब, उनको 45 किलोमीटर तक का फासला करना पड़ता है। मेरे कस्बा गुजरात में तहसील का दर्जा दिया जाए, मेरे कस्बा गुजरात में तहसील दी जाए। जनाब स्पीकर, ये जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट किए, वो प्रोजेक्ट किए, ये 35 प्रोजेक्ट जो इन्होंने स्टार्ट किए हैं, ये तो हमारे दौर से शुरू हुए हैं। और इनके अगर आप बजट उठा के देखें तो ये बजट सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया तक ही महदूद है, दर हकीकत इसकी कोई हकीकत नहीं है। जनाबे स्पीकर, मैं फलस्तीन पर भी बात करना चाहूंगी। मुल्क है वो, हमारा वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के दीन, इस्लाम के नाम से जाना जाता है। प्लीज कोई कानून साजी करे, उसके लिए आवाज उठाए, वहां पर जो जुल्म हो रहा है, मैं उसके लिए अपने बहुत शुक्रिया जी बेंच की मोहतरमा, मुजम्मत करती आपका हूँ। पॉइंट सिर्फ आ एक गया मिनट है। रखिए जनाब स्पीकर, सिर्फ एक मिनट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी। ये जो बजट जी बना है, ये जो 2 हफ्ते से एक बजट पर सेशन चल रहा है, मैं अपनी आवाम, अपने इलाके के लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगी। ये जंग हार न जाएं, सिपाह कैद में है, गुलाम तख्त पर काबिज हैं, मुर्शिद कैद में है, तेरी हकू की जमानत नहीं अब कोई, गरीबे शहर तेरा खैर ख्वाह कैद में है। बहुत कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? एब्सोल्युटली नॉट। कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहे हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।